नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं। इसमें आपको कोई भी जॉब वैकेंसीज के बारे में नहीं बताने वाला हूं, इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताने वाला हूं। काफ़ी मेरे दोस्त फ्रेंड या फिर यूँ कहें हमारे व्यूवर्स जो भी लोग हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं। उनको शायद जानना होता है कि अगर यहाँ पे आप लेबर का काम, एज अ लेबर का काम करते हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और कितनी सैलरी आपको यहाँ पे होगी, तो आपको आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि किसी एजेंट के माध्यम से आते हैं आप और आके यहाँ पे फंस जाते हैं, जहाँ पे आपको ना तो अच्छी सैलरी मिलती है और ना ही अच्छा खाना मिलता है, ना ही अच्छा रहना मिलता है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के माध्यम से है कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा अवेयर कर सकूं कि गाइस, अगर आप लोग दुबई आने के बारे में सोच रहे हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन रखते हैं, अगर आप मान लीजिए थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई करी है, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, तो आप पहली चीज़ लेबर के काम में ना आइए। ठीक है, उसके बाद किसी कारणवश मेरे बहुत से भाई लोग जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो अब उन्हें ऑब्वियस सी बात है मजबूरी है कि उनके लिए उनको जो है लेबर का काम करना ही पड़ता है। तो अगर आप लेबर का काम आते हैं या फिर आपने थोड़ी पढ़ाई करी, ज़्यादा पढ़ाई करी, अगर आप मान लीजिए कि लेबर की कमाई में आते हैं, तो उनकी सबसे अच्छी सैलरी कितनी हो सकती है, कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ाई करी है और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके मेहनत मजदूरी करके कुछ अच्छे पैसे कमा के अपने घर वालों के सपने पूरे कर सकें, तो वो सैलरी कितनी होनी चाहिए सबसे मैटर ये करता है। और या फिर आपको अगर एजेंट बताता है कि आपकी इतनी सैलरी है, तो उतनी सैलरी में आपको दुबई आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से कहीं से भी हैं, तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि आपको वहाँ के पैसे पे ना ध्यान दे करके दुबई के पैसे पे ध्यान देना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, वहाँ की करेंसी अलग होगी, वहाँ के रेट्स अलग होंगे, लेकिन जो दुबई की आपको सैलरी मिलती है उसके हिसाब से वो सारी कंट्रियों का लगभग सेम है। मान लीजिए अगर आप इंडिया से हैं, ठीक है, तो इंडिया के लोगों को अगर आप इंडिया से हैं, आपको सैलरी 1000 मिल रही है, वहीं पर एक पाकिस्तानी बंदा है उसको भी 1000 सैलरी मिल रही है, वहीं पर एक नेपाली बंदा है उसको भी एक सैलरी 1000 मिल रही है, तो यानी कि तीनों लोगों को 1000 सैलरी मिल रही है। वहीं पर अगर हम देखें, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, इंडिया के लोगों के लिए 1000 की सैलरी की बनती है तकरीबन 20,000, पाकिस्तानियों के लिए बनता है तकरीबन 40,000 और नेपालियों के लिए शायद ऐसा ही कुछ 45-50,000 लगभग बनता है। और वैसे ही अगर हम महंगाई की बात करें तो लगभग सेम है, यानी कि जो बोतल हम खरीदेंगे इंडिया में 20 रुपए की, वही बोतल आप पाकिस्तान में खरीदोगे 50-60 रुपए की, वही बोतल आप नेपाल में खरीदोगे लगभग ऐसे ही। ठीक है, तो महंगाई का कहने का मतलब एक ही है। अब हम आप लोगों से कहना सिर्फ ये चाहते हैं कि आपको वहाँ की करेंसी पे ध्यान न दे करके करेंसी पे ध्यान देना होगा आपको यूएई की, यूएई में सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, अगर हम करेंट टाइम पे बात करें तो यहाँ पे लेबर की सैलरी मिनिमम जो है वो 1000-1200 लगभग चल रही है। ठीक है, इसमें आपको एकोमोडेशन के नाम पे सिर्फ आपको रूम मिलता है, खाना नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपको खाना मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये मत सोचेगा कि नहीं यार 1000-1200 सैलरी मिली, मुझे खाना नहीं मिला, रूम मिल रहा है, तो भी ठीक है, क्योंकि अगर खाने की बात करें तो 1000 सैलरी में से आप 200-300 रुपए में आप खाना जो है कर सकते हो, और उसके बाद आपकी जो सैलरी बचेगी, मान लीजिए अगर आपकी 1200 सैलरी है, आपने 300 में खाना किया, आपको रूम रहने का मिल गया, तब भी आपने 1900 रुपये बचा ली, तो इंडिया के 18-20,000, पाकिस्तान के 40,000 और नेपाल के भी लगभग ऐसे ही 40-45,000 बन जाते हैं। ठीक है, तो ये होती बेसिक सैलरी, वो होती है लेबर की। ठीक है, तो अगर आपसे कोई एजेंट कहता है, ठीक है, कि आपकी 1000 सैलरी है, तो उसे आपको ये कन्फर्म करना होगा कि 1000 सैलरी तो है, लेकिन जो हमारा एकोमोडेशन है, अगर आप ना समझ पा रहे हो, तो उसमें रहने खाने का खर्च कौन देगा। अगर रहने खाने का खर्च आपको कंपनी दे रही है और 1000 सैलरी आपको मिल रही है, तो ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर 1000 में आपको रहना भी देना है, खाना भी देना है, सैलरी भी आपको उसी में है,
तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो बहुत कम आप करोगे तो आपको 250-300 रुपये रहने का यहाँ पे लग जाएगा, अगर आप दुबई के आउटर में रह रहे हो, ठीक है। अगर आप दुबई सिटी में रह रहे हो ना, तो आपको बहुत ही मुश्किल से 300-400 में बेड स्पेस मिलेगा, ठीक है। खाने का मान लीजिए मिनिमम आपका 300 रुपये लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी सैलरी कितनी बचेगी, अगर 1000 सैलरी है तो तकरीबन 500-600 रुपये लगभग आप बचा सकते हो, अगर आप बहुत कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा अगर आप जो है अपने आप पे कंट्रोल करोगे तब, यानी बाहर नहीं खाओगे, कुछ खाओगे पियोगे नहीं, कहीं घूमने नहीं जाओगे, तब आप बचा सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बचा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी एजेंट के माध्यम से अगर आप आते हो तो लेबर की सैलरी कम से कम 1000 रुपये होनी चाहिए, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। 1000 सैलरी के साथ साथ आपको एकोमोडेशन मिलना चाहिए, तब आप आइएगा, अदरवाइज़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना पैसा इंडिया में कमा सकते हो, इंडिया में अभी करंट टाइम पे एक लेबर की जो सैलरी, एक लेबर का जो पैसा है, मैंने भी करंट टाइम में अपना घर बनवाया है जहाँ पे एक लेबर को 400 रुपये मिलते हैं एक दिन का, ठीक है। तो अगर देखा जाए 12-14 हज़ार रुपये महीने में, अगर वो महीने के बराबर काम करेगा तो उसे 14-15 हज़ार रुपये कमा सकता है वो। तो अगर आपको इतना ही कमाना है तो आपका घर कौन सा बुरा है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, 1000-1200-1500 मिल रही है, तो आप बिल्कुल आइएगा, ठीक है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो सिर्फ मैं अपने उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे भाई भी मजदूर हैं, जो भाई मेरे आना चाहते हैं दुबई में, उनके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।